हे गाइस वेलकम टू वेदांतूज ओलम्पियाड स्कूल तो क्या हाल चाल बच्चा पार्टी तो चलिए मैं आपका फिजिक्स टीचर रोहित गर्ग आपका स्वागत करता हूं हमारी इस अमेजिंग सीरीज के अंदर जिसका नाम है अमेजिंग फिजिक्स तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि नाइन्थ ऑफ अक्टूबर से हमारा जो बैच है यानी कि साइंस बूस्टर बैच वो लॉन्च होने वाला था जिसके अंदर हम साइंस को डील करने वाले थे बेसिकली ठीक है वो ड्यू टू सम समीजन वो जो बैच है वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो चुका है डेट अभी डिसाइड नहीं है ठीक है पर हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि बैच नहीं चलेगा ये बैच चलेगा पैटर्न वही रहेगा हर वीडियो के एंड पे मैं आपके लिए दो क्वेश्चन लेके आया करूंगा और आप उन क्वेश्चन के सोल्यूशन मुझे भेजोगे काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है काफी बच्चों ने मुझे उस सोल्यूशन भेजे भी हैं और मैं देख भी पा रहा हूँ और उन बच्चों को मैं श्योर करना चाहता हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है आप इस बैच के अंदर डेफिनेटली एनरोल हो जाओगे मेरे पास नाम आपके आ चुके हैं वो अलग बात है कि मैं उस पे अभी परिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूं और जैसे ही बैच शुरू होगा आप उस बैच के अंदर डेफिनेटली होंगे तो जैसे कि बच्चों मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट क्लास के अंदर कि इस वीडियो के अंदर जो भी हमारे दो क्वेश्चंस रह गए थे टोटल एक लास्ट वीडियो के दो क्वेश्चंस और उससे लास्ट वीडियो के दो क्वेश्चंस तो मतलब टोटल हो गए फोर क्वेश्चंस तो आज की वीडियो के अंदर हम उन्हीं फोर क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम डील करेंगे और आपको पता है वो क्वेश्चंस किसके ऊपर थे वो एन एंड फ्रिक्शन के ऊपर थे और बच्चों सभी क्वेश्चंस ये जो मैं शेयर करता हूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं तो इनको डेडिकेटेडली आप प्लीज सॉल्व करें घर पर बैठ के सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द फर्स्ट क्वेश्चन लेट मी रीड इट फॉर यू वी हैव अ कार एफ मास फाइव हंड्रेड के जी एंड इज ट्रेवलिंग एट हंड्रेड किलोमीटर पर आर एंड वी है कार बी ऑफ मास था किलोमीटर पर आर ऑन अटल रोड वेन द ड्राइवर स्टेप्ड ऑन द ब्रेक्स हार्ड इनफ सो दैट द ब्रेक्स वॉग्ड इंस्टेंटली बोथ कार्सडेड टू अस्टॉप दो गाड़ियां हैं दोनों की स्पीड अलग अलग है और ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगा दी

टायर के नीचे और रोड के बीच में जो कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दोनों गाड़ियों के लिए सेम है और हमने फाइंड आउट करनी है कि कितने इनकी रेशियो क्या होगी कितने टाइम में ये दोनों रुकेंगे और कितने डिस्टेंस में ये दोनों रुकेंगे चलिए बच्चों क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है सबसे पहली चीज ड्राइवर ने ब्रेक लगाई तो यहाँ पे क्या आने वाली है भैया रिटाडेशन तो अगर मैं रिटाडेशन कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा

एंड एन दी और अगर मुझे रिटार्डेशन फाइंड आउट करनी है तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ कैन आई से दैट सेफ इज इक्वल टू एम ये हम न्यूटन सेकेंड लॉ से कह सकते हैं तो यहां से मेरे पास रिटार्डेशन रिटार्डेशन में बार बार शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलेशन होती है तो यहां पे जो एक्सेलेशन है वैसे पीछे की तरफ आएगी और जब भी एक्सेलेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है बच्चा बॉडी तो ऑब्जेक्ट क्या करता है रिटार्ड यानी कि उसकी जो स्पीड है वो क्या होती है कम होती है ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को सोचने की कोशिश करें तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि एम ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू के एम जी तो एम से एम कैंसल आउट तो ए इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ म्यू के जी माइनस शोज दैट इट इज रिटार्डिंग राइट right? के ऑपोजिट टू माइनस शोज ऑपोजिट टू वेलोसिटी ऑपोजिट टू वेलोसिटी जिसके कारण उसकी जो स्पीड है वो क्या होना शुरू हो जाएगी कम होना शुरू हो जाएगी ठीक है अब देखिए तो यहां से हमने क्या इन्फर किया अब इस चीज से हमने क्या इन्फर किया कि भाई जो रिटार्डेशन और एक्सिलेशन ठीक है एक्सिलेशन इज इंडिपेंडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट मैं बार बार हर वीडियो के अंदर यह चीज रिपीट करता चला रहा हूं एक्सेलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लीज की क्योंकि यहां पर बोल रखा है कि दोनों गाड़ियों के रोड और टायर के नीचे जो कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है दैट इज सेम फॉर बोथ कार्सो कैन आई सेम इज सेम फॉर बोथ कार्स फॉर बोथ कार्स दोनों कार्स के लिए जो रिटारेशन है वो सेम है और इस फॉर्मूला को बच्चा पार्टी घोट करके पी जाओ ठीक है अंदर जैसे डाल लो हम मेडिसिन ले ना थोड़ा सा डाल गया आगे बस अब डायजेस्ट कर जाओ इस पॉइंट को ये तो आप लगा लो कि इसके ऊपर अनलिमिटेड क्वेश्चन बनाता है वो ठीक है अब हम सबसे पहले हमारा टारगेट है कि भाई हम कैलकुलेट करते हैं टाइम की रेशियो क्या ही थी ठीक है टाइम रेशियो फाइंड आउट करनी है चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कार ए की कार ए और ये हमारी कार है ए ठीक है कितनी स्पीड से चल रही थी ये हमारी कार चल रही थी 100 किलोमीटर पर आर क्वेश्चन में गिवन है इट इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर और हमें एक चीज पता है कि वन किलोमीटर पर आर इज इक्वल टू फाइव बाई एटीन मीटर पर सेकेंड बच्चों ये कन्वर्जन याद रख लो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है तो कितनी वेलोसिटी होगी हो छोड़ लो मल्टीप्लाई उल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है और यू कैन राइट इट एज फाइव हंड्रेड बाई एटीन मीटर पर सेकेंड नो इशू चलिए अब आपने लगाई रिटार्डेशन तो देखिए एक्सेलेशन बन गई पीछे की तरफ कितनी बन गई म्यूके जी क्या ये कांस्टेंट है येस yes, क्योंकि म्यू की वैल्यू भी कांस्टेंट है और जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है और जब भी बच्चा बांटी एक्सलेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो आप इक्वेशन ऑफ मोशन बेहद होकर के यूज कर सकते हो सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन दैट विल प्रोवाइड अस इनिशियल फाइनली इट विल स्टॉप राइट फाइनल विलोस्टी एक्सलेशन एंड टाइम कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो इनके बीच में रिलेशन प्रोवाइड करती है अरे सर एक ही तो इक्वेशन है कौन सी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एस ठीक है तो अब फाइनल इन टू टाइम टी आई एम कॉलिंग इट एज टी ए क्योंकि ए गाड़ी के लिए तो देखिए यहां से टी ए की वैल्यू क्या आ रही है टी ए इज कमिंग आउट टू बी फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई एटीन इन टू म्यूकेजी परफेक्ट ये आ गई हमारे पास एक गाड़ी के लिए एक गाड़ी के लिए टाइम की वैल्यू अब गाड़ी बी और कार बी ठीक है कार कार बी बी भी कितनी स्पीड स्पीड से चल रही है? अगर हम देखें, इज़ मूविंग विद ऑफ़ 50 किलोमीटर पर पर अगेन, इसको मैं मीटर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करके कितना लिख मीटर पर सेकेंड दू बोसिटी now this car is also retarding with the same acceleration reason being mu is same for both the cars so mu k into g so the equation is going to be y equation that is v is equal to u plus 80 bacha party finally it is going to stop so final velocity is zero initial velocity is 250 by 18 right plus of minus mu kg that is the retardation into tb B. Because B सो टाइम टू स्टॉप इज गोइंग टू बी 250 फिफ्टी अपॉन म्यू के जी इन टू एटीन दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर बी पर हमें क्या चाहिए हमें तो रेशो चाहिए तो रेशो के लिए हम क्या करेंगे हम इस चीज़ को डिवाइड करेंगे रेशो के लिए हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे सो टी ए बाय टी बी चलिए डिवाइड करते हैं सो इट इज़ गोइंग टू बी फाइव हंड्रेड बाई म्यू के जी डिवाइडेड बाय 250 फिफ्टी बाय एटीन के जी तो देखिए यार 18 और 18 कैंसल्ड आउट सो यहां पर आ रहा है टू इज टू वन सो टी ए बाई टी बी इज कमिंग आउट टू बी टू इज टू वन चलिए ए पार्ट सॉल्व बी पार्ट के अंदर बच्चों ने बोला है कि हमने यू फाइंड आउट करनी है कि भैया कितने डिस्टेंस में वो रुकने वाला है ठीक है कितने डिस्टेंस में वो रुकने वाला है ये टाइम की रेशो आ गई है चलिए अब हम करते हैं डिस्टेंस की रेशो डिस्टेंस की रेशो अब यार सोच करके देखो कौन सी ऐसी एक इक्वेशन है अपने लॉज ऑफ मोशन यहां पे मोशन के अंदर जिसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो फाइनल वेलोसिटी गिवन हो रिटार्डेशन गिवन हो और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी हो अरे सर एक ही तो इक्वेशन है कौन सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ टू एस यस ये हम यूज करने वाले चलिए तो यहां पे हम लिख लेते हैं कार ए और यहां पे हम लिख लेते हैं कार बी अब अगर मैं बात करता हूँ कार ए की तो जो हमारी कार ए है उसकी स्पीड यहाँ पे कितनी थी यहाँ पे उसकी स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आर और उसको हमने कन्वर्ट कर लिया था किसके अंदर मीटर पर सेकेंड के अंदर, अंदर तो हमारे पास आ गया था 500 मीटर पर सेकेंड 500 हंड्रेड बाई एटीन मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी जीरो रिटार्डेशन आपको पता है कितनी होगी दैट इज के जी तो फाइनल जीरो इनिशियल इज फाइव हंड्रेड बाई एटीन स्क्वायर राइट स्कस ऑफ टू रिटार जी इंटू एस ए क्योंकि फर्स्ट की बात है तो आई एम कॉलिंग इट एज एस ए तो एस ए इज कमिंग आउट टू बी वन बाई टू म्यूके जी इन टू फाइव हंड्रेड बाई एटीन एंड इट्स कंप्लीट स्क्वास ए आ चुका है कार बी के लिए अगर मैं बात करूं बच्चा पार्टी यहां पे कार बी की अगर हम बात करें तो कार बी जो है वो कितनी स्पीड से चल रही थी 50 किलोमीटर पर आर कितने से 50 किलोमीटर पर पर मीटर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करता हूं तो कितना बन जाएगा 250 फिफ्टी बाई एटीन मीटर पर सेकंड परफेक्ट फाइनल वेलोसिटी कंप्लीट स्क्वायर अब इसके लिए भी रिटार्डेशन बच्चों कितनी है दैट इज म्यूके जी सो प्लस ऑफ टू म्यूके जी इन टू वॉट इज द डिस्टेंस दैट इज एस बी सो एस बी यहां पे देखिए कितना आ रहा है एस बी इज गोइंग टू बी इक्वल टू सॉरी यहां पे माइनस आएगा क्योंकि रिटार्डेशन है सो एस बी इज कमिंग आउट टू बी वन बाई टू म्यूके जी इन टू टू फिफ्टी बाई एटीन एंड इट्स कंप्लीट स्क्वायर अब हमने क्या फाइंड आउट करनी इनकी रेशियो सो एस ए बाई एस बी

किस लेवल पे वो क्वेश्चंस पूछ रहा है बड़े माइन्यूट लेवल पे बड़े बेसिक चीजें और फिर उनको वो डिस्कस करता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये है, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन अज्यूम दैट लाइज ऑन अफिशियटली लॉन्ग इन प्लेन आप अज्यूम कीजिए कि हमारे पास एक ब्लॉक है वो एक इन प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है

और यहां पे आप अज्यूम कर सकते हो कि ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ लार्जर ये वो कह म्यू के चलिए बच्चों अब यार ये हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके कि जब भी अगर ऑब्जेक्ट ने मूव करना होगा वो किस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे मूव करता है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रीपोज अगर तुम्हें याद हो what is the definition of angle of repose it is the angle of inclination at which the object is just about to move just about to move चलिए सबसे पहले हम यहां पे एक एंगल ऑफ इंक्लाइन रिपोज के लिए यहां पे सिचुएशन लिख लेते हैं ठीक है सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है एंगल ऑफ फ्री पोज क्या है उसके बारे में बात करते हैं चलिए ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है और दिस एंगल आई एम अज्यूमिंग इट टू बी थीटा और यहाँ पे बच्चों हमारा ब्लॉक पड़ा है ठीक है है अब यार इसका मास अगर M है, तो कौन कौन सी फोर्सेस अब मैंने आपको बताया था कि कि भाई वेट वेट लगेगा और वेट को डायरेक्टली ऐसे कर लो परपेंडिकुलर प्लेन इट इज़ गोइंग बी कांटेक्ट फोर्स यहां पे देखिए ऊपर की तरफ आएगी आई एम कॉलिंग है कांटेक्ट फोर्स एन अब इस ये चलने वाला है अगर ये स्मूथ होता ये ब्लॉक नीचे की तरफ सरक जाता पर ये क्या है रफ ये क्या है रफ तो इसको रोकने के लिए बच्चों ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स आएगी अब मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं क्योंकि एंग्लो फ्री पोज हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जस्ट अबाउट टू मूव राइट मैं क्या कह रहा हूं जस्ट अबाउट टू मूव अभी मूव नहीं किया है चलने वाला जस्ट अबाउट टू मूव तो अगर जस्ट अबाउट टू मूव है तो मतलब ये कौन सी फ्रिक्शन की वैल्यू है ये लिमिटिंग वैल्यू है और लिमिटिंग वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं दैट इज म्यू एस इंटू एन एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ म्यू एस म्यू एस का वैल्यू है बच्चों यहाँ पे दीवन है मान लीजिए म्यू एस हम अज्यूम कर लेते हैं और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन दैट एन इज गोइंग टू बी एम जी थीटा ठीक है एम जी थीटा आ गया तो यहां पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी म्यू एस एम जी सॉरी एम जी कॉस्थीटा दट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन परफेक्ट दिस इज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन अब अगर मैं कह दू कि इफ आई सेट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज लेस देन इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज मतलब जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो रिपोज यानी कि जिस एंगल पे ये ब्लॉक सरक सकता था उससे कम है अगर उससे कम है तो ब्लॉक सरकेगा नहीं ब्लॉक अगर सरकेगा नहीं तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक था और ये उसके ऊपर एम जी साइन थीटा इस तरफ फोर्स लग रही है ठीक है और इस तरफ एम जी थीटा लग रही है और ऊपर की तरफ यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही है अब इसको रोकने के लिए यहाँ पे कौन सी फोर्स आएगी इसको रोकने के लिए यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगी और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है ये क्या होती है सेल्फ एडजस्टिंग सेल्फ एडजस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यार अगर ये ऑब्जेक्ट चलने वाला नहीं है तो मतलब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी लेस देन दिस लिमिटिंग वैल्यू

एम जी साइन थीटा और ये किस चीज का फंक्शन है ये साइन थीटा का फंक्शन है चलिए यहाँ पे इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं चलिए ग्राफ प्लॉट करने चले तो आपको पता है बच्चों कि इफ थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और ये हमारा फ्रिक्शन है यहां पर अगर यहां पर मैं कह दू कि दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल एंगलो फ्रीपोज मैंने यहां पे मार्क कर दिया एंगल एंगलो फ्रीपोज के नीचे जो फ्रिक्शन है वो किसका फंक्शन होगा साइन का और साइन करूंगा आपको प्लॉट करना आता होगा तो साइन थीटा का बच्चों जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे जाता है जीरो से जाता है और ये बढ़ता रहता है नाइनटी पे आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम ठीक है तो यहां तक ये पहुंचा यहां तक ये पहुंचा और यहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी यहां पे इसकी वैल्यू आएगी बच्चों म्यू एस एम जी को यानी कि मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा परफेक्ट अब अगर मैं कह दूं कि इफ इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिकम्स ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज जाने कि अगर एंगल ऑफ इंकुलेशन बच्चों एंगल ऑफ री से ज्यादा हो जाए यानी कि जिस एंगल पे वो टिल्ट चलने की टेंडेंसी रख रहा था अब आपने एंगल ऑफ इंकुलेशन उससे बढ़ा दिया तो अब क्या होगा अब क्या होगा आई एम कॉलिंग दिस एंगल एज थीटा डैश ठीक है और ये जो थीटा डैश है ये एंगल ऑफ फ्रीपोज से ज्यादा है तो डेफिनेटली आपका ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा मूव क्या कर रहा होगा ये yes, मूव कर रहा होगा ठीक है अब यार ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो यहां पे कौन सी फोर्स लगेगी देखिए एम जी साइन थीटर यहां पे इस तरफ कौन सी फोर्स लगेगी mg cos थीटा ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लगेगी कांटेक्ट फोर्स n और यहां पे कौन सी फोर्स आएगी दैट इज गोइंग टू बी द काइनेटिक फ्रिक्शन क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है मूव कर रहा है और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगी इसकी वैल्यू क्या होती है μk n और n की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ही लिए n की वैल्यू क्या है mg कॉस थीटा तो अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन लिखना चाहते हैं तो एफ के की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू के इन टू एम थीटा तो जाने कि एक बार अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज को क्रॉस कर गया तो आपका जो फ्रिक्शन हो जाएगा दैट विल बी काइनेटिक इन नेचर और अगर ये काइनेटिक इन नेचर हो गया तो किस चीज का फंक्शन बन जाएगा ये कॉस थीटा का फंक्शन बन जाएगा एक और चीज सोच करके देखना म्यू इज ग्रेटर देन म्यू के वी नो दैट इट इज गिवन ऑल्सो अगर मैं दोनों तरफ एम जी थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो आप ये भी रियलाइज कीजिए कि जो म्यूएसएम जी थीटा है दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन के एम जी थीटा. तो अभी तक हमने ग्राफ के अंदर जो देखा था वो ये था कि अगर ये थीटा यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ठीक है यहां पे जो है अगर मैं कह दूं फ्रिक्शन फोर्स जो लग रही है लेट्स मार्क इट हेयर एज द एंगल ऑफ फ्री पोज एंगल ऑफ फ्री पोज से पहले स्टैटिक फ्रिक्शन थी वो किसका फंक्शन थी साइन थीटा का तो ये फ्रिक्शन जो साइन थीटा से जाती अप टू सर्टेन वैल्यू वो एंगल ऑफ फ्री पोज पे वो वैल्यू क्या बन गई थी वो वैल्यू क्या बन गई थी म्यू के म्यू एस सॉरी म्यू एस एम थीटा बन गई थी अब यहां पे टेंडेंसी टू मूव है ठीक है क्या है टेंडेंसी टू मूव और अभी भी फ्रिक्शन कौन सी थी यहां पे देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही थी यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रही थी और स्टैटिक फ्रिक्शन किस चीज का फंक्शन थी यहां पे साइन थीटा का एम जी साइन थी ना तो साइन थीटा का फंक्शन थी जैसी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बच्चों वैल्यू एंग्लोफ्रीपो से ज़्यादा हुई ऑब्जेक्ट चल दिया ऑब्जेक्ट अगर चल दिया तो वैल्यू किसके अंदर कन्वर्ट हो गई म्यू के एम जी कॉस थीटा के अंदर और यहाँ पे देखिए जो म्यू के एम जी कॉस थीटा है दैट इज लेस देन म्यू एस एम जी साइन थीटा तो ग्राफ हल्का सा आया नीचे इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी दैट इज वॉट दैट इज़ म्यू के एम जी कॉस थीटा अब उसके बाद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अभी भी तुम बढ़ा रहे हो और अगर मैं आपको बच्चों एक चीज बता दू जीरो बढ़ता है पर जीरो की वैल्यू कम होती है क्योंकि कॉस जीरो वन होता है कॉस नाइनटी जीरो होता है तो देखिए उसके बाद जो ग्राफ होगा वैसे कर्व नीचे की तरफ होते हुए फाइनली यहाँ पे कम हो जाएगा यहाँ पे नाइनटी डिग्री है और ये यहाँ पे जीरो डिग्री है

ठीक है तो बी इज गोइंग टू बी द आंसर ये दाइन थीटा दिया हुआ है और यह कॉस दिया हुआ है अगेन दिस इज क्वेश्चन और आप देख पा रहे हो बच्चों कितने माइन्यूट और बेसिक लेवल पर जाकर के वो क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है वो ज्यादा मेहनत नहीं करवाएगा वो लॉजिकल थिंकिंग पे जाने वाला है चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सिस्टम शोन इन द फिगर द acceleration ऑफ वन के जी मास एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग between कनेक्टिंग बिटवीन ए एंड बी इज हमने इस वन के जी मास की एक्सेलेशन फाइंड आउट करनी है एक टारगेट हमारा ये है और यहाँ पे कितनी टेंशन होगी ये फाइंड आउट करनी है चलिए कैसे सॉल्व करना है आइडिया इज़ वेरी सिंपल उम्मीद करूंगा आपने ये क्वेश्चन घर के अंदर प्रैक्टिस कर रखे हैं ठीक है तो इसलिए मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि बार बार सॉल्व कीजिए क्योंकि मैं आप लोगों पर ट्रस्ट कर रहा हूँ अब बच्चों सबसे पहला स्टेप है वी हैव टू द फ्री बॉडी डायग्राम दैट इज डब्ल्यू टी एन फ्रिक्शन एंड स्प्रिंग कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है वेट ऑफ कोर्स फोर्सिस वन के जी टेन न्यूटन चलिए स्प्रिंग नहीं दिखाई दे रहा है फ्रिक्शन नहीं दिखाई दे रही है कॉन्टेक्ट नहीं दिखाई दे रहे टेंशन येस yes. कितने धागे हैं दो कितनी टेंशन आएंगे दो चलिए यहाँ पे मैं कह देता हूँ दिस इज गोइंग टू टी वन दिस इज ऑल्सो दिस इज गोइंग टू टू बी एंड दिस इज ऑल्सो चलिए ये हमारी टेंशन है अब क्योंकि बच्चों अगर देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल फोर के जी है और राइट हैंड साइड पे टोटल वन के जी है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ अब फोर के जी हैवी होगा यार थ्री के जी से तो ये फोर के जी नीचे जाएगा चलिए यहाँ पे एक्सेलेशन मैं ए कह देता हूँ इसकी एक्सलेशन भी मैं ए कह देता हूँ और उतनी ही एक्सलेशन इसकी किस तरफ होगी ऊपर की तरफ अब हमारे पास सिचुएशन अच्छा एक और स्ट्रिंग है देखिए यहां पे बच्चों टेंशन यहां पे माई फॉल्ट दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी टी वन दिस नॉट गोइंग टू बी टी टू दिस इज गोइंग टू बी टी वन रीजन बिंग एक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या रहती है सेम रहती है अब यहां पे सेकेंड स्ट्रिंग है और इसके अंदर मैं कह देता हूं लेट्स सपोज द टेंशन इज द टेंशन टी टू यहां पे टेंशन कितनी है टेंशन हो गई टी टू अब क्योंकि यार स्ट्रिंग जैसी चेंज होगी ना बच्चों टेंशन चेंज हो जाती है और अगर स्ट्रिंग सिंगल है तो टेंशन क्या रहती है सेम रहती है इस चीज को आप अपने माइंड के अंदर बिठा करके रखिए क्योंकि ये सभी आइडियल स्ट्रिंग्स हैं ये मासलेस स्ट्रिंग्स हैं ठीक है अब देखते हैं कौन कौन सी फोर्स किस किस ब्लॉक के ऊपर लग रही है अगर ए ब्लॉक की मैं बात करता हूँ इफ आई टॉक अबाउट ए ब्लॉक यहाँ पे लग रहा है नीचे की तरफ टेन न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है टी टू और नीचे की तरफ एक्सलेशन है ए

अब हमने लिखनी है बच्चों इक्वेशंस तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे फोकस करूं तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी मास कितना इसका है. है अब जिस तरफ बच्चों वो होती तो परफेक्ट फर्स्ट इक्वेशन मेरे सामने बी ब्लॉक से देखिए क्या इक्वेशन निकल करके आएगी नीचे लग रहा है थर्टी नीचे लग रहा है टी टू ऊपर लग रहा है T1 वन एंड एक्सिलेशन इज मास मासन 3 टू एक्सिलेशन नीचे की तरफ है तो ये तो थर्टी और T2 का कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा डोमिनेटिंग सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हमारी यहां से सोच करके देखो नीचे लग रहा है 30 ऊपर लग रहा है T1 और एक्सिलेशन किस तरफ ऊपर की तरफ तो यहां पे क्या आएगा T one minus thirty. What is the mass? Mass is three kg, right? So T one minus thirty is equal to three into a. So that is going to be the third equation. So we have three equations. We have three variables. We have to solve these variables. Now, how to solve it? Let's see. So what we what do we have is first equation is ten minus T two is equal to one into a. Second is thirty plus T two minus T one is equal to 3 into a and third is t1 minus 30 is equal to 3a. So first let add all these three equations. This is 1, this is 2, this is 3. Okay let's add these three equations. So while adding what do we get? They get T1 T1 cancel out, T2, T2 cancel out. So 10 plus 30 minus 30 is equal to 3 plus 3 plus 6 or 1 7a. So 30 एंड 30 गॉट कैंसिल आउट सो ए इज कमिंग आउट टू बी 10 बाय 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आप इस 10 को यार जी कह सकते हो ठीक है तो आप इसको लिख सकते हो जी बाय सेवन मीटर पर दैट इज़ द एक्सलेशन देखिए ये हमारी क्या आई एक्सलेशन आई अब हमने फाइंड आउट करनी है टेंशन कौन सी जो ए और बी के बीच में कि हमने फाइंड आउट करना है t2 तो देखिए 10 माइनस इज इक्वेल टू वन g जी राइट So it is coming out to be T2 is equal to 10 minus G by 7. So this is going to be what? 70 minus 10 by 7. So it is coming out to be 60 by 7. So this means 6 G by 7 Newton. So that is T2. चलिए तो एक आंसर हमारे पास आया जी बाय सेवन और दूसरा आ रहा है सिक्स जी बाय सेवन तो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सी है येस सो सी इज द आंसर जी बाय सेवन एंड सिक्स जी बाय सेवन डाउनवर्ड्स मतलब यहां पे सब जा रहे हैं जी बाय सेवन से नीचे ये भी जी बाय सेवन से नीचे और ये जा रहा है ऊपर की तरफ जी बाय सेवन से और यहाँ पे जो टेंशन आ रही है व्हाट व्हाट द टेंशन इज दैट इज सिक्स जी बाय सेवन सो देखिए इतना इजी है बच्चों चलिए let's move on to the last question what is the question we have three masses of 1 kg 6 kg and 3 kg they are connected with the help of strings as shown in the figure what is the acceleration of the system this is our question again the idea is to draw the free body diagram and then we will use the newton's second law that is f is equal to ma so let's solve it so what are the forces again how to draw it w t n

और एंड डैश की वैल्यू यहीं पे हम सेटल कर देते हैं एंड डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 न्यूटन चलिए कांटेक्ट फोर्स पूछी नहीं है जस्ट आपको बताने के लिए कांटेक्ट फोर्स का काम का खत्म कहीं पे कोई भी रफनेस नहीं है फ्रिक्शन खत्म कहीं पे कोई भी स्प्रिंग नहीं है स्प्रिंग फोर्स खत्म टेंशन कितने स्ट्रिंग्स है बच्चों सर दो स्ट्रिंग्स हैं तो एक में आएगी टेंशन टी वन आप देख लीजिए जब तक वो स्ट्रिंग कॉन्टिन्यू होगा टेंशन टी वन और दूसरे में क्या आएगी टेंशन टी टू अब थ्री तो के जी इज़ हैवियर देन वन के जी तो थ्री के जी के एक्सलेशन नीचे की तरफ वन के जी की एक्सेलेशन ऊपर की तरफ एंड अगर थ्री के जी नीचे जा रहा है वन के जी ऊपर जा रहा है तो सिक्स के जी किस तरफ जाएगा टू वर्ड्स राइट right. एक्सेलेशन ए चलिए ड्रॉ करते हैं यहाँ पर वन के जी नीचे की तरफ टेन ऊपर की तरफ टी वन एंड एक्सेलेशन एपर की तरफ सिक्स के जी राइट साइड टेंशन टी टू लेफ्ट साइड टेंशन टी वन एक्सलेन टू वर्ड राइट इज एजी थ्री के जी की बात करते हैं नीचे की तरफ की तरफ एक्सिलेशन एट्स राइट दूपर की तरफ टी वन नीचे की तरफ टेन सो टी वन माइनस टेन इज इक्वल टू वन इन टू ए मास इन टू एक्सलेन यहां से अब एक्सिलेशन टू वर्ड राइट राइट सो टी टू minus t 1 is equal to mass into acceleration that is 6 into a. And from this block, Nietzsche ki of 30, upper ki of t2, acceleration Nietzsche ki of so 30 minus t2 is equal to 3 into a. Again 3 equations we have to solve the acceleration. Let us see how we can do it. So let us write down the equation. So T1 minus 10 is equal to 1 into A. टीवल टू सिक्स इन टू एंड लास्ट इज थर्टी माइनस टी वन इज इक्वल टू थ्री इन टू ए को एड कर देते हैं सो टेन इंट ए सो यहाँ पे देखिए ट्वेंटी इज इक्वल टू टेन ए और ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यस दिस इज द फाइनल आंसर तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन है हमारे पास ओ माई गॉड सी इज द ऑप्शन सो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर तो बच्चों उम्मीद करूंगा आपको काफ़ी मजा आया होगा ठीक है सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए अगर लेट्स सपोज आपको नहीं बच्चों समझ आया तो एक बार प्लीज़ आप सभी क्वेश्चन को रिवाइज़ कर लीजिए वीडियो को फिर से स्टार्ट कर लीजिए ठीक है सो दैट इज़ इट फ्रॉम माय साइड और नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों वर्क डन के ऊपर फोकस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको फिर से दो क्वेश्चन शेयर करूँगा जिनके आंसर आप भेजोगे और आप बैच के अंदर सेलेक्ट हो जाओगे और गाइज चिंता मत कीजिए अगर मैं आपको वापस नहीं भी रिस्पॉन्ड करता हूँ हमारे पास आपके सोल्यूशन आ रहे हैं आप इसी प्रकार से इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें देते रहिए ठीक है ठीके? आपके प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है और हमारे ज्ञान की आपको बहुत ज़रूरत है और प्लीज़ जाते जाते वो लाइक like बटन है वो दबाना मत भूलिएगा क्योंकि दैट इज़ आर गुरु दक्षिणा तो चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं वो कब होती है दैट इज़ वेंसडे एंड सैटरडे तो चलिए बाय बाय बच्चों गॉड ब्लेस यू थैंक यू